दोस्तों आज हम बनाना सीखेंगे आइसोमेट्रिक सर्कल। हम एक आइसोमेट्रिक सर्कल बना रहे हैं जिसका डायमीटर है 60 mm, मतलब उसकी रेडियस हो जाएगी 30 mm। तो पहले क्या करना है अपने को, उसका डायमीटर 60 mm लेना है। तो हम पहले उसका सेंटर डिसाइड कर देते हैं। तो यहाँ से 60 ले लिया और ये 30 ले लिया। तो देखिए ऐसे 60 की लाइन बना ली और उसका मिड पॉइंट जो है हमने 30 mm ले लिया, मतलब यहाँ से ये 30 हो गया और यहाँ से ये 30 हो गया। फिर क्या करना है अपने को, 30 डिग्री का सेट स्क्वायर लेंगे, फिर उसको ऐसे रख के ये जो है लाइन, ये जो सेंटर लिया है उसमें से 30 डिग्री पे इस तरह से लाइन बनाएंगे। ठीक है, 30 डिग्री पे लाइन बन गई। अभी अपना डायमीटर है 60, मतलब यहाँ से ये सेंटर जो है उससे ये जो 30 डिग्री जो लाइन बनाई उसमें भी हम इस तरफ 30 ले लेंगे, ऐसे कट कर लेंगे और इस तरफ 30 कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये 30, ये 30, ये 30 और ये 30 बन गया है। अभी हमको क्या करना है, पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 30-30 के मार्किंग बनाए हमने, इन दोनों में से वर्टिकल लाइन बना देते हैं इस तरह से, और ये जो 30 के मार्किंग है उसमें से एक लाइन जो है वो ऐसी यहाँ से 30 डिग्री पे बना देते हैं और यहाँ से भी एक 30 डिग्री पे लाइन बना देते हैं। तो देखिए अपना पैरेललोग्राम बन गया है जिसमें हम आइसोमेट्रिक सर्कल बना पाएंगे। अभी देखिए क्या हुआ है, ये जो पैरेललोग्राम बना है उसमें ये दो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बने हैं और ये दोनों अक्यूट एंगल बने हैं। ये दोनों कैसे बने हैं, एक्यूट बने हैं और ये ऑब्ट्यूज बने हैं। ये दो एंगल जो है वो बड़े हैं और ये दो एंगल छोटे हैं। तो हमको क्या करना है, पहले एक वर्टेक्स जो ऑब्ट्यूज एंगल वाला है उस पर राउंडर रखना है और रेडियस कितनी लेनी, इतनी रेडियस लेके हमको एक इस तरह से आर्क बना देना है। क्या किया देखिए, दो जो ऑब्ट्यूज एंगल बने थे उसमें से जो एक ऑब्ट्यूज एंगल जो वर्टेक्स है वहाँ पे रख दिया हमने राउंडर की टिप, और फिर क्या किया है यहाँ से इतना रेडियस लेके एक आर्क बनाया लाइक दिस। फिर क्या करेंगे, बना देंगे लाइक दिस। तो देखिए अपना आधा सर्कल तो रेडी हो गया है। अभी क्या करना है, अभी ये जो दो ऑब्ट्यूज एंगल अक्यूट एंगल है ये उसको ज्वाइन करते हैं लाइक दिस। ज्वाइन कर दिया, दो एक्यूट एंगल थे उसको। फिर क्या करेंगे, ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है, कोई भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ले सकते हैं, ये या तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल वाला वर्टेक्स है उसमें से हम इस तरह से एक लाइन बनाएंगे ऐसे। ये ऑब्ट्यूज एंगल वाला जो वर्टेक्स है उसको ज्वाइन करेंगे ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, वैसे ही ये जो है उसके साथ भी ज्वाइन कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, अभी देखिए ये वाली जो लाइन है अपनी, दो अक्यूट एंगल को ज्वाइन करने वाली लाइन और ये ऑब्ट्यूज एंगल को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन, जो दोनों का इंटरसेक्शन मिल रहा है ये। नाउ टेक दिस पॉइंट एज अ सेंटर, उसको सेंटर लेना है हमको। सेंटर लेके रेडियस कितनी लेंगे, इतनी रेडियस लेंगे इस तरह से। इतनी रेडियस लेके हम क्या करेंगे, इस तरह से आर्क बना देंगे। तो देखो अपना ये 3/4 सर्कल बन गया। वैसे ही सेम वे यहाँ से ये दो अक्यूट एंगल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है और ये ऑब्ट्यूज एंगल के वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये उन दोनों का जो इंटरसेक्शन मिला है ये, टेक दिस पॉइंट एज अ सेंटर। यहाँ से इतना सेंटर लेके रेडियस इतनी ले लीजिए और इस तरह से सर्कल बन जाएगा। तो देखिए अपना आइसोमेट्रिक में सर्कल बन गया है जो कि राइट हैंड साइड के प्लेन में दिखेगा। अभी समझो अपने को लेफ्ट हैंड साइड में दिखे ऐसे प्लेन में सर्कल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 30 डिग्री पर ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ से भी 30 डिग्री पर लाइन खींचते हैं, यहाँ से भी 30 डिग्री पर लाइन खींच लेते हैं। अभी अपना सर्कल का डायमीटर 60 है, तो ये तो ऑलरेडी 60 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे भी 60 लेना है अपने को, तो 60 ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए कैसे, यहाँ से ये है 30 और ये है 30, तो देखिए ये यहाँ से ये 30 और ये 30, 60 हो गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ से वर्टिकल लाइन बना देंगे इस तरह से, यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन बना देंगे। ठीक है, अभी देखें तो ये दूसरा अपना पैरेललोग्राम रेडी हो गया जो कि लेफ्ट हैंड साइड के प्लेन में से दिखता है। उसमें भी सेम प्रोसीजर, उसमें भी दो ऑब्ट्यूज एंगल बने हैं और दो एक्यूट एंगल बने हैं। ये दोनों एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है।
ये बड़े एंगल हैं और ये छोटे एंगल हैं। क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, फिर से एक वर्टेक्स ऑब्ट्यूस एंगल वाला ले लीजिए, उसको यहाँ से इतना रेडियस दे दीजिए ऐसे, और एक सर्कल बना दीजिए लाइक दिस, आर्क बना दीजिए। फिर इसको सेंटर रखिए, सामने वाले ऑब्ट्यूस एंगल के वर्टेक्स को इतना रेडियस देना है, फिर से एक सर्कल बना दीजिए लाइक दिस। ये बन गया, मतलब आधा सर्कल अपना रेडी हो गया आइसोमेट्रिक का। अभी क्या करना है, दो एक्यूट एंगल को ज्वाइन कर लेंगे, दो एक्यूट एंगल वाले वर्टेक्सेस को ज्वाइन कर लिया। अभी क्या करेंगे, कोई भी एक ऑब्ट्यूस एंगल से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, जैसे ये हुआ, इसको ज्वाइन कर लो और इसको ज्वाइन कर लो। देखो एक ही ऑब्ट्यूस एंगल से दो इस तरह से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स मिले जो भी अपने जो दो रिमेनिंग आर्क है उसके सेंटर्स में। अभी क्या करेंगे, ये जो दो अक्यूट एंगल को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है और ये ऑब्ट्यूस एंगल वाले वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता लाइन है, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दे टेक दिस पॉइंट एज अ सेंटर, उसको सेंटर लेके रेडियस इतना लेना है और बना देंगे हम आर्क लाइक दिस। तो देखिए ये सर्कल रेडी हो रहा है अपना। फिर यहाँ से कौन से सेंटर लिया, दो अक्यूट एंगल के वर्टाइसिस को ज्वाइन करती है जो लाइन है और ऑब्ट्यूस एंगल को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, ये वी हैव टेकन दैट पॉइंट एज अ सेंटर, उसको सेंटर लेके हम एक आर्क इस तरह से बना देते हैं। तो देखिए अपना ये सर्कल रेडी हो गया जो कि अपने को लेफ्ट हैंड साइड से दिखेगा। अभी समझो टॉप व्यू में भी सर्कल बनाना है, मतलब हमको ऐसा सर्कल बनाना है जो टॉप व्यू में दिखता है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 30 डिग्री पे एक लाइन, यहाँ से भी 30 डिग्री पे एक लाइन ले लेते हैं लाइक दिस, फिर यहाँ से 30 डिग्री पे लाइन और यहाँ से 30 डिग्री पे लाइन, ठीक है। तो ये टॉप व्यू में से दिखने वाला सर्कल का प्लेन हो गया। अभी हमको क्या करना है, फिर से सेम प्रोसीजर, ये जो है दो ऑब्ट्यूस एंगल बने हैं उसके वर्टाइसेस है, एक वर्टेक्स पे रखो, रेडियस कितना लेना है इतना लेके, इतना रेडियस लेके हम लगा देंगे आर्क ऐसे। वैसे ही ये ऑब्ट्यूस एंगल वाला जो वर्टेक्स है उसको एज अ सेंटर लेके और रेडियस इतना लेके हम दूसरा आर्क लगा देंगे लाइक दिस, ठीक है। आधा सर्कल रेडी। अभी क्या करना है, दो फिर से वही दो जो एक्यूट एंगल बने हैं उनको ज्वाइन करना है वर्टेक्सेस वर्टाइसेस को, एक्यूट एंगल वाले ज्वाइन कर लिया वर्टाइसेस को। अभी हम क्या करेंगे, ये जो एक्यूट एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल है उसको अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से यहाँ पे और यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। कोई कोई बुक में क्या करते हैं कि दोनों जो ऑब्ट्यूस एंगल है उसको वर्टाइसिस मतलब अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दे, ऑब्ट्यूस एंगल वाले वर्टाइसिस को, एक ही बात है, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ज्वाइन किया और यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये तीनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले उसको सेंटर लेते हैं, पर एक्चुअली तीन लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं, हम दो लाइन से काम चला सकते हैं जैसे इससे पहले हमने किया। तो फिर क्या करेंगे, हम ये पॉइंट को सेंटर लेंगे, ये पॉइंट को सेंटर और इतने रेडियस ले लेंगे, फिर क्या करेंगे आर्क बना देंगे लाइक दिस, फिर वैसे ये पॉइंट को सेंटर इतने से रेडियस लाइक दिस। तो देखिए अपने ये जो है आइसोमेट्रिक सर्कल रेडी हो गए हैं जो कि हमको तीनों प्लेन में जो दिख सकते हैं, राइट हैंड प्लेन से, लेफ्ट हैंड प्लेन से और टॉप प्लेन से, तीनों में हमने आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना सीख लिया है। तो दोस्तों ये इजीएस्ट मेथड है आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ करने का। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी आपको डाउट आ रहा है तो मुझे कॉमेंट कीजिए जिससे कि मैं उसको अपने अगले वीडियो में इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर व्यूइंग।